हेलो एवरीवन, अंजुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन का सूप। इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और एक बात और कि इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। मैं ड्रम स्टिक सूप बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए ये ड्रम स्टिक। इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। एक अनियन, टमाटर, और ये है लहसुन, और ये अदरक, और ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, और ये लेमन, ये कॉर्नफ्लोर, ये ऑप्शनल है। इन सारे चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। चलिए बनाते हैं। मैं कुकर गर्म होने के लिए रखी हूँ। 1 टीस्पून घी, आपको जो भी अच्छा लगता है आप ऐड करें। ये लहसुन रफली चॉप कर ली हूँ, और ये अनियन, जिंजर, और ये टमाटर। इन सारी सब्जियों को 1 मिनट भून लेंगे। ये कोरिएंडर स्टेम है, नमक, अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये उबल गया है और इसे 4 सीटी आने तक पकाऊंगी। 4 सीटी हो गया है, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ठंडा हो गया है, चलिए खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अगर आप चाहें तो ये सारे पल्प को मिक्सिंग जार में डालकर आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर से करूँगी। और जब भी आप बनाएं तो इस ड्रम स्टिक को थोड़े छोटे पीसेस में कट करें। सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा मैश कर लूँगी स्पून से ही। मैं थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी सारे को। देखिए सारा ब्लेंड हो गया है। और ये एक मोटी छन्नी लेंगे और सारा छान लेंगे। देखिए ये पूरा इसका जूस निकल गया है। ये बहुत ही हेल्दी सूप है, ये हर किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अब मैं इसे फिर से एक बार और थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए मैं 1 ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर सारे जूस निकाल लेंगे। देखिए सारा निकल गया है। अब इसे फेंक देंगे। मैं फिर से इसे गर्म होने के लिए रखी हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा पतला है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएं, अदरवाइज आप ऐसे ही पिए। अब थोड़ा इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं काला नमक और ये ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अगर बच्चे पीने वाले हो तो आप चिली पाउडर अवॉइड करें। लेमन जूस
और ये थोड़ा सा शुगर, और ये चाट मसाला, और ये कॉर्नफ्लोर को पहले घोल लेंगे। देखिए इसमें बिल्कुल लंप नहीं है, और इसे ऐड कर देंगे। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस एक उबाल लाना है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। देखिए अब ये उबल गया है, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, और अब मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ। चलिए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय।